और आपको इस बीच एक बड़ी खबर दे दे, काचीमठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जो है उन्हें बरी कर दिया गया है। आप जानते हैं शंकर रामन मर्डर का जो मामला था उसमें दो प्राइम एक्यूज थे, जयेंद्र सरस्वती और विजेंद्र सरस्वती, लेकिन शंकराचार्य को बरी कर दिया गया है। बड़ा सवाल यही था कि क्या सरस्वती जयेंद्र सरस्वती जो है उन्होंने ये कत्ल करवाया है, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया है। फैसला आना था आज, उसी फैसले के तहत 24 इसमें आरोपी थे जिनमें से 23 ही बचे थे, एक की मौत हो गई और शंकराचार्य जो हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। सितंबर 3, 2004 का ये मामला है। शंकर रामन जो कि मैनेजर थे वरदराज पेरुमल टेम्पल में कांचीपुरम के, ये कहा गया था कि वो कोई सेक्स सीडी पेश करने वाले थे और उससे पहले उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी मर्डर केस में कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती बरी कर दिए गए हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें, 2004 का ये मामला था, शंकर रामन मैनेजर वरदराज पेरुमल टेम्पल में कांचीपुरम, सेक्स सीडी वो पेश करने वाले थे, उससे पहले उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद शक की सुई जो थी वो शंकराचार्य की तरफ घूमी और जयेंद्र सरस्वती और साथ ही विजेंद्र सरस्वती इन्हें प्राइम एक्यूज बनाया गया था। और थोड़ी देर पहले ही कोर्ट का जो फैसला आया है उसके तहत उन्हें बरी कर दिया गया है। आपको याद होगा विजेंद्र सरस्वती, उन्हें जनवरी 2005 में अरेस्ट भी किया गया था। हालांकि जयेंद्र सरस्वती जो थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई थी, इस मामले को शिफ्ट भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने से ही। चलिए क्या कह रहे हैं उनके वकील, वो सुनते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को बरी कर दिया गया है। जजमेंट हैज बीन पास्ड एंड द लर्नड जज हैज एक्यूटेड ऑल द अक्यूज्ड and further he has stated that the prosecution has failed to prove the motive and there was no conspiracy and the and also the all the witnesses have been turned, most of the eyewitnesses, crucial witnesses have been turned hostile and there was no corroborating evidences and so the learned judge has acquitted all the accused, all the 24 or 23 accused. So what was the reason, why motive has not been proved? And no supporting all the eyewitnesses have not supported the prosecution case and therefore all of them have been acquitted. Satyam vendrade dharmam jayitade. Shankara ara shankara satyam vendrade aandavan irukkiran iraivan irukkiran satyam vendrade dharmam jayitade. Suraj Mal Jain. You say it in English. What do you think about this verdict? Truth has won. ¡Vamos!
शंकराचार्य को बरी कर दिया गया है। सितंबर 3, 2004 का ये मामला, और जिस तरीके से वकील बता रहे थे कि कोई सबूत पेश करने में प्रोसिक्यूशन जो था वो नाकाम रहा, जो आई विटनेसेस थे वो हॉस्टाइल हो गए, और साथ ही जिस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ा उसके तहत कांचीमठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और विजेंद्र सरस्वती जिन्हें प्राइम अक्यूज बनाया गया था उन्हें बरी कर दिया गया है। रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भोसेकर का। प्रसाद, कई सालों तक ये मामला खिंचा और बड़ा सवाल यही लगातार बना रहा कि क्या कोई शंकराचार्य किसी की हत्या करवा सकता है। ऐसे में जयेंद्र सरस्वती के लिए एक बहुत बड़ी राहत वाला ये फैसला। बिल्कुल, सभी अक्यूज के लिए काफी राहत का फैसला है। मुझे याद है ये केस मैंने जो है कवर किया था, कंची भी मैं था कम से कम एक महीने तक, जब शंकर रामन की हत्या हुई थी। शंकर रामन जो है वरदराज पेरुमाल, जो कि कंची के मठों में से एक मठ है, तो उसके वो मैनेजर थे, और उनके पास बताया जाता है कि कोई ऐसी आपत्तिजनक जानकारी थी जिसको लेकर के उनकी हत्या हुई थी। लेकिन एक और खास बात यह है कि इसमें जो मेन अक्यूज है कथिरावन, उसकी भी हत्या कर दी गई थी इस साल मार्च के महीने में। और जब से ये केस शुरू हुआ है तब से काफी एक सेंसेशनल केस माना जाता है, और जयेंद्र सरस्वती और विजेंद्र सरस्वती ने यहां तक कहा था जब कि अगर तमिलनाडु में केस चलता है तो बायस रहेगा, उसके लिए इस केस को पांडिचेरी ट्रांसफर किया गया था। और कई सालों से ये केस चल रहा था क्योंकि सभी विटनेस हॉस्टाइल हो गए और प्रोसिक्यूशन के पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं था, तो उसके चलते जो है आज पूरे जो अक्यूज है 23 अक्यूज वो बरी कर दिए गए। प्रसाद, बड़ा सवाल ये कि क्या कुछ कोर्ट में कहा गया, क्या दलीलें थी जिनका जिसके तहत प्रूव नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन दैट कि जो जयेंद्र सरस्वती है वो एक्यूज है। बिल्कुल, जितने भी जो है विटनेसेस थे और जो भी अप्रूवर थे वो पूरे हॉस्टाइल हो गए, जिसके चलते ये केस जो है बिल्कुल फ्लैट हो गया, और जो है जयेंद्र सरस्वती, विजेंद्र सरस्वती और जितने भी अक्यूज थे उनको बरी कर दिया गया। और खास बात यह है कि जो मेन अक्यूज था कथिरावन इस पूरे मामले में, उसकी हत्या हो गई थी, और उसके बाद जो है ये केस काफ़ी डायल्यूट हो गया था, जिसके चलते आज ये सभी को राहत मिली है और सभी अक्यूज जो है बरी हो गए। और जी मीडिया संवाददाता आकाश सोनी भी हमारे साथ है न्यूज रूम से। काफी ट्विस्ट एंड टर्न आकाश इस पूरे मामले में देखे गए, जिस तरीके से तमिलनाडु से इसे शिफ्ट किया गया पुदुचेरी, कई तरीके के उतार चढ़ाव, पूरा मामला तफसील से आप हमारे दर्शकों को बताइए। प्रसाद भोसेकर जैसे अभी बता रहे थे, ये शुरू से इस केस को कवर कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये रही कि मोटिव प्रूव नहीं हो पाया इस केस के अंदर, और इसीलिए आचार्य जयेंद्र सरस्वती और साथ ही साथ विजेंद्र सरस्वती बरी हो गए। सभी 23 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। 189 अक्यू, इसमें जो विटनेस थे उनमें से 83 ऐसे थे जो हॉस्टाइल टर्न हो गए थे। पूरा मामला शुरू हुआ था जब 2004 में 3 दिसंबर को शंकर रमन की हत्या हो गई थी। शंकर रमन मैनेजर था श्री वरदराज पेरुमल मंदिर का जो कांचीपुरम में है, और उससे पहले लगातार कई महीनों तक शंकर रमन चिट्ठियां लिखता जा रहा था शंकराचार्य के खिलाफ, और उन्होंने ऐसी बहुत सारी जानकारियां सामने लाने की कोशिश की थी, जिसके कारण पूरे तमिलनाडु में जो माहौल था वो बहुत बदल गया था। और जब ये केस फिर शुरू हुआ, जो कि पिछले 5.5 साल से चल रहा था, तो बड़े ध्यान से ये देखा जा रहा था कि क्या कांची के शंकराचार्य, यानी इतना वरिष्ठ धर्म गुरु, अगर उसे सजा हो जाती है तो मामला बेहद गंभीर हो जाएगा। लेकिन अच्छी खबर, जिसके बाद कांची के शंकराचार्य, उनके शिष्यों और पूरे भारत में फैले हुए और दुनिया में फैले हुए जो उनके भक्त हैं, उन्होंने राहत की सांस अभी ली है, क्योंकि सभी 23 आरोपी बरी हो गए हैं। और गंभीर आरोप उसमें लगाए थे श्री शंकर रमन ने उस वक्त, और जो आखिरी चिट्ठी थी तकरीबन 15 दिन पहले उन्होंने कांची के शंकराचार्य के खिलाफ लिखी थी, और उसके बाद उनकी हत्या हुई थी। इसलिए ये पूरा जो केस है ये बहुत बड़ा केस बन गया था, और 2004 का ये मामला है, जिसके बाद पिछले 5.5 साल से ये केस चल रहा था। और साथ ही साथ आचार्य जयेंद्र सरस्वती ने एक समय पर जाकर ये भी कहा था कि तमिलनाडु में अब माहौल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये केस चल सके, और इसलिए उन्होंने अनुरोध किया था, जिसके बाद इस केस को पुडुचेरी शिफ्ट किया गया था।
बिल्कुल आकाश, कई ट्विस्ट और टर्न इस पूरे मामले में देखने को मिले थे और एक बहुत बड़ी बीटिंग जो थी, एक उनकी जो साख को भी एक बहुत बड़ा झटका इस पूरे मामले से लगा था जयेंद्र सरस्वती की। आकाश, यहां पर एक और बात जो जहन में आती है वो ये कि मरने से पहले शंकर रामन, ये कहा गया जो उसने तमाम मैगजीन्स को चिट्ठियां लिखी कि जो करप्शन था काचीमठ में वो उसका खुलासा करना चाहता था, मोटिव जो था उसके तहत ये मोटिव लेकर जो उसके परिजन थे वो गए थे, लेकिन जो मठ की साख थी क्या बरी तो वो हो गए, क्या साख लौट पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, जहां तक शंकराचार्य का सवाल है तो उनके समर्थकों ने ये बोलना शुरू भी कर दिया, उन्होंने कहा कि हमें हमेशा से एक ही बात कह रहे थे और वो ये कि शंकराचार्य न केवल निर्दोष है बल्कि वो इस तरह के कामों में पड़ते नहीं है, और लगातार उनके शिष्य बार बार ये बात कह रहे थे और आज फिर वो ये कह रहे हैं कि हम इतने साल से 2004 से एक कोशिश चल रही थी, और साथ साथ ये भी कहा जाता था कि शंकर रामन कई ऐसे लोगों के साथ मिल गए हैं जो कांची के शंकराचार्य के खिलाफ है और धर्म के खिलाफ है, और यही कारण है कि वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, और आज इनके पास मौका है भक्तों का, जो अब ये कहना है इन्होंने शुरू कर दिया है, और उनका कहना है कि हम जो 9 साल से एक ही बात कह रहे हैं कि इस तरह के मामले में कांची के शंकराचार्य संलग्न न हो सकते हैं न थे, वो आज कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया और सच दुनिया के सामने है।